नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। हल्द्वानी में आने वाले 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई हैं। वहीं इस रैली को भव्य बनाने के उद्देश्य से रैली स्थल का चिन्हीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते आज नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के साथ ही भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित प्रशासनिक टीम ने एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड, मिनी स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और केसर शुगर फार्म का स्थलीय निरीक्षण किया। तो कैसी है तैयारियां और इस रैली को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं, लीजिए आप भी देखिए। चौबीस तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर हल्द्वानी में आने का कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम हो, बढ़िया कार्यक्रम हो, उसी की तैयारी के लिए आज हम आए हैं। कौन सा स्थान ठीक है, कहाँ पर रैली करनी है, वो सारी चीज़ आज तय करनी है हम लोगों ने। और भारी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे, लाखों की संख्या में। हमारे कुमाऊं मंडल की रैली है, उसी की तैयारी के लिए हम आए। और कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी, जो हमारी कुमाऊं में बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उसका भी कार्यक्रम यहां पर होगा। सर, आप स्टेडियम गए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी आए हैं, क्या कहां पर कार्यक्रम करेंगे, तय करेंगे? अभी तक हमने 3-4 स्थान देखे हैं, इसमें तय करेंगे थोड़ी देर में किस स्थान पर कार्यक्रम करना है। आने वाले 24 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार हल्द्वानी शहर में आगमन होने जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां जो है शुरू कर ली गई है, जिसमें नैनीताल के प्रभारी मंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो है आज नरेंद्र मोदी के आगमन पर स्थान जो है चिन्हित करने की कवायद जो है तैयारियाँ जो है शुरू कर ली गई है। आपको बता दें, तमाम जो है स्थान जो है चिन्हित करे गए हैं और एक स्थान उसमें से जो है यह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है चिन्हित किया गया है, ये गोलापार में स्थित है और कहीं ना कहीं जो है 24 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी शहर में पहली बार आगमन से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उनमें जो है कहीं ना कहीं खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्थान से जनता को संबोधित करेंगे, वो स्थान को चिन्हित करने के लिए लगातार जो है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ तमाम जो है कैबिनेट मंत्री लोग जो है लगे हुए हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री कौन से स्थान से जो है जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहली बार ये हल्द्वानी शहर में आगमन हो रहा है, उनका तो कहीं ना कहीं जो है भारी जनसैलाब देखने को मिलेगा। हालांकि अभी ये कौन से स्थान से जो है वो जनता को संबोधित करेंगे, ये स्थान अभी चिन्हित नहीं हुआ है और इसके लिए लगातार जो है मंथन किया जा रहा है कि आखिर मोदी जो है कौन से स्थान से जो है जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि भारी जनसैलाब देखने की उम्मीद जो है जताई जा रही है, क्योंकि पहली बार जो है प्रधानमंत्री हल्द्वानी शहर में आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे और उसके लिए तमाम जो है मंथन किया जा रहा है कि आखिर देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो किस स्थान से जो है उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।